हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनो पन्ने लगे स्टोरीज में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग है। मॉर्निंग में मैं 6 AM पे उठी थी, यानी कि 6 बजे आई थिंक, और उसके बाद मैंने चाय बनाई और मैगी। और मैगी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, क्योंकि मेरे बाबू को, मतलब मेरे बच्चों को, प्याज और टमाटर इतना कुछ खास पसंद पका हुआ नहीं है, वैसे कच्चा खा लेते हैं। तो चाय और मैगी सिंपल सी बनाने के बाद मैंने खुद के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाए ब्रेड पकौड़े। वैसे ये काफ़ी थे, बच्चे लोगों ने भी खाए थे, लेकिन पर्सनली हमारे नाम पे ही ये दोनों, मतलब ब्रेड पकौड़े बनाए गए थे हम दोनों के नाम पे ही, कि नहीं हम लोगों को खाना है। क्योंकि मैगी ना बहुत सिंपल थी और मुझे उतनी सिंपल मैगी कुछ खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ बच्चों को पसंद है तो बच्चों की पसंद का सबसे पहले ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैंने कैसे कैसे ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन ना हमें कहीं जाना था, तो इसके वजह से मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो बना लिया, उतना ध्यान नहीं दिया। और ये चटनी है, तो सबसे पहले तो मैं ब्रेड पकौड़ा और चटनी खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा टाइम आराम करने के बाद फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने चावल बना लिया अच्छे से, जीरा राइस बना लिया, और उसके बाद ये ना बहुत खिले खिले से हो गए थे, ये चावल बहुत अच्छे हैं और फाइनली बहुत फास्ट बन गए थे। और यहाँ पे मैंने बॉयल करके आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और ये ना मैं बता नहीं सकती, ये देखने में तो जितना टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में भी लगेगा। और लेकिन हाँ, ये मैंने नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को कि आज मुझे ट्रैवलिंग करना था, तो मेरे जी में बहुत सारे काम थे। और यहाँ पे मेरी बन रही है रोटी, और रोटी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, उतना ही बनाऊँगी जितना सब लोग खा सके, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से खाना। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और चूँकि अब अगर मैं पूरा डिटेल में दिखाने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये शाम का है, तो इस टाइम समय रात के बज रहे 8:30, और मेरी पैकिंग हो गई है वापस से ससुराल जाने के लिए। और ये जो पीछे देख रहे हैं, मेरा सामान वहाँ से हट गया है और थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है घर, क्योंकि सामान की पैकिंग हो चुकी है और हमने लाइट बंद करके जा रही हूँ, चेक कर लेती हूँ सब कुछ अच्छे से बंद है, एक बार ना चेक करना ज़रूरी होता है कि बंद है घर पे नहीं। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए, और अब ये भी लाइट में ऑफ कर दूँगी, और जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मेरा सामान वामान रेडी हो गया है, और मुझे ना बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, सीरियसली बोलूँ तो। और बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर रखे हैं, बर्तन साफ़ कर लिया, बाकी गैस भी पोछ लिया, बाकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। जय भगवान जी, थोड़ा पैर छोड़ूँ भगवान जी का। बाकी सीरियसली बताऊँ, यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं, और ये मेरी अटैची, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, बाकी बस। और ना थोड़ा मैं बैठ जाऊँ, मैं ना आज सुबह से काम कर रही हूँ, इतना काम क्यों ना क्या बताऊँ। और साड़ी मैंने दूसरे इसलिए नहीं पहनी ना, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल लगती है पहनने में, मतलब इतनी आरामदायक लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और सीरियसली आप लोगों से बताऊँ तो मेरा ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं। मैं सीरियसली बताऊँ, यहाँ के लोग वाकई में गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत मैं इन लोगों को मिस करूँगी, क्योंकि एक लोग थी ना सडन अचानक से इतना रो रही थी मेरे लिए। मुझे ना यहाँ से जाने के बाद इन लोगों की बहुत याद आएगी, क्योंकि ना यहाँ पे आसपास के लोग इतने अच्छे हैं कि सब लोग मेरे लिए थोड़ा बहुत तो रो ही रहे थे, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही रो रहे थे कि सुनो मैं बहुत अच्छी हो। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि देखो, अपने तो रोते हैं वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति रोता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और ये मेरा बाबू, ये बहुत एक्साइटेड है अपने बाबा के पास जाने के लिए, ना बाबा के पास जाना है ना? हाँ, जाना है। अच्छा, और अब ये हैं आलोक, ये तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इन्हें अपने बाबा से मिलना है। नहीं, अब
जाने दो, फिर मैं इसको नहीं हटाऊंगी। हाँ तो मैं क्या आप लोगों से बोल रही थी कि आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और चलती हूँ अब जब ट्रेन में बैठ जाऊँगी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी हल्का सा, और फिर हो सकता है कि वीडियो आज ना आए लेकिन कल अपलोड कर दूँगी, थोड़ा सा एडिट करूँगी आज और कल अपलोड कर दूँगी क्योंकि आज तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा ट्रैवलिंग करते समय। और सीरियसली बताऊँ कि बहुत ज़्यादा मुझे ना, मैं हंस जरूर रही हूँ लेकिन ना मेरा दिल रो रहा है, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ इंसान का मन और दिल दोनों लग जाता है, और मैंने इससे पहले मैं MP में भी गई थी और राजस्थान भी गई थी लेकिन मुझे जाते टाइम उतना दुख नहीं हो रहा था जितना कि इस टाइम हो रहा है। घर जाने पे तो सबको खुशी मिलती है, मुझे भी थोड़ा बहुत है खुशी लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने अच्छे ना, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं यहाँ 3 महीने थी, मुझे एकदम फील नहीं हुआ कि मैं बाहर साइड में हूँ, अपने घर से दूर हूँ, ऐसा तो मुझे थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ। और बहुत अच्छे, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे सब लोग। मेरा तो मन था कि मैं यहीं रहूँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, जाना पड़ रहा है। ज़रूरी काम क्या है, मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरे बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह सही से बनाए नहीं, तो फिर यहाँ पे मैंने एडमिशन करा रखा था लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आप लोग समझ ही सकते हो कि जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो फिर कोई भी स्कूल सही से आपको एडमिशन नहीं दे सकता। डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, चाहे भी स्कूल बड़ा हो चाहे छोटा, तो बस यही है। और सही बताऊँ मेरा दिल इतना रो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। अब कैमरा के सामने बोलना एक अलग बात होती है, कैमरा के सामने बोलना और फिर कहने का मतलब ये है कि अब कैमरे पे कोई रो थोड़ी ना सकता है। हाँ अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तब तो थोड़ा बहुत तो इंसान रो ही देगा, लेकिन मैं बस सिर्फ थोड़ा सा हंस रही हूँ। लेकिन मुझे ना सही बताऊँ मुझे इतना दुख हो रहा है अंदर से कि मैं क्या बताऊँ। चलिए फिर कोई नहीं, अगर जिंदगी ने दोबारा कभी मौका दिया तो फिर देखा जाएगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। चलिए लगता है आ गई, लगता है वैन क्या कार आ गई। चलो अब अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और चल दो। हम लोग ट्रेन का यहाँ वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी। तो जो ट्रेन थी ना वो 1 घंटे लेट थी और हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। और ये जो पानी की बॉटल है ना मेरे हाथों में, ये तो मैंने वहीं छोड़ दी थी, ये रास्ते में बाबू को प्यास लगती ना और मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और ये मैंने जब ट्रेन में बैठने लगी ना तो मैंने ये उसी जगह छोड़ दिया। और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं तो मैंने सोचा थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये ऐसे ही हम लोग नीचे बैठे थे और अभी हम लोग को सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर वो जो ऊपर मतलब ट्रेन आएगी, मतलब ट्रेन ऊपर नहीं आएगी, ट्रेन नीचे ही आएगी, हम लोग नीचे बैठे थे। तो मैं जहाँ पे बैठी थी अब मैं वहाँ ऊपर पे बैठ गई हूँ कि अब ट्रेन हम लोग की आएगी तो हम लोग बैठेंगे। ये कुछ ट्रेन आ रही थी जा रही थी तो मैं आते जाते लोगों को देख रही थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने समोसे खाए और बच्चों ने चिप्स और बाकी मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया। और अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और ट्रेन में बैठ गई हूँ लेकिन अभी भी ट्रेन 10-15 मिनट बाद चलेगी। और मेरा बाबू जाके ऊपर बैठ गया है, बोला कि मम्मी ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा यहाँ भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद अब ट्रेन चल पड़ती है और हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं अपने घर। और घर पे जाने के मतलब ट्रेन पहुंच जाती है और हम लोग उतर जाते हैं, ये मैं और मेरा बाबू। रात को पता है हम लोग 12:30 बजे के आसपास ट्रेन से उतरे थे तो घर पे पहुंचने में लगभग 1:30 बज गया था। और उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि कई दिनों से ना मुझे बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना वो मायके चली गई हैं तो सब कुछ काम करना ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। और जब मैं आई थी ना तो मेरा रूम बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। और जब आप कहीं नहीं रहते हो ना तो धूल मिट्टी वगैरह आ ही जाती है अगर कमरा बंद पड़ा रहे तो। तो पहले तो आके मैंने खाना खा के मैं सो गई, उसके बाद सुबह उठी तो रूम की साफ़ सफ़ाई की
और उसके बाद सासू माँ मैके चली गई, तो मेरे जी में थोड़ा काम बढ़ गया, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो एंजॉय कीजिए। कर दिया जो भी धूल मिट्टी थी उसको, बाकी घर तो जैसा है वैसा है ही, लेकिन साफ़ सुथरा करना ज़रूरी होता है। घर चाहे जैसा भी हो लेकिन साफ़ सुथरा रहे बस तो ही सही लगता है। और बैग वगैरह में कपड़े हैं, आधे कपड़े मैंने अच्छे से रख दिए हैं, आधे थोड़े बहुत और रखने हैं, वो भी मैं रख दूँगी। और फाइनली दाल चावल, सुबह सुबह शायद पराठा भुजिया बना था बच्चों के लिए, जब बच्चे लोग स्कूल गए तो पराठा भुजिया बना था, और अभी मैंने दाल चावल रख दिया है। तो अब मैं भी चलूँ फटफट से अपने काम सारे कर लूँ जो भी थोड़ा बहुत बचे हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मेरी वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के पास आती रहेगी, मतलब पर डे मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।